गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आई होप यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 12, दैट इज एक्सरसाइज 12.2। एंड टुडेज टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पैरामीटर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, विच इज फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है, आपको उसके साइड्स गिवन है 12, 14 एंड 18 सेंटीमीटर। आपको उसको पैरामीटर कैलकुलेट करना है। सो द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ सेकेंड साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, विच इज सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। सो इन दिस वी विल ऐड 12 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर एंड योर आंसर विल बी 44 सेंटीमीटर। सो योर पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 44 सेंटीमीटर। नाउ सी नेक्स्ट वन, विच इज द एजेस ऑफ अ ब्रेड स्पेड दैट इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड मस्ट बी स्टिच विद लेस। एक बेड स्प्रेड है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 3 मीटर और ब्रेथ है 2 मीटर। उस पर आपको लेस लगानी है इसके चारों तरफ, तो आपको बताना है कि हाउ मच लेंथ ऑफ लेस इज नीडेड। सो योर स्टेटमेंट इज लेंथ इज गिवन, लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 2 मीटर एंड लेंथ ऑफ लेस इज नीडेड इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल विच इज 2 × L + B। सो 2, लेंथ इज 3, ब्रेथ इज 2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दैट ब्रैकेट, 3 + 2 = 5। एंड व्हेन वी विल रिमूव द ब्रैकेट देन वी विल पुट द मल्टीप्लीकेशन साइन, 2 × 5 = 10। सो 10 मीटर लेंथ लेस इज नीडेड। ओके, नेक्स्ट इज इफ द पैरामीटर ऑफ स्केयर इज 36 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इट्स वन साइड। इन दिस क्वेश्चन द पैरामीटर इज गिवन एंड यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन साइड। सो द पैरामीटर ऑफ स्केयर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, पैरामीटर ऑफ स्केयर इक्वल टू 4 × साइड। इसी फॉर्मूले से हमने साइड का फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, विच इज साइड इज इक्वल टू पैरामीटर डिवाइड बाय 4। सो साइड इज पैरामीटर इक्वल टू 36 / 4 विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 9 सेंटीमीटर। स्क्वायर की सारी साइड्स आपकी इक्वल होती है, तो सारी साइड्स की आपकी मेजरमेंट कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन, विच इज अ स्कूल क्लब हैज़ अ स्विमिंग पूल दैट मेजर्स 22 m/16 m। एक आपका स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ गिवन है आपको 22 m और ब्रेथ गिवन है 16 m। ओके, द अथॉरिटीज वॉन्ट टू बिल्ड अ स्टील रेलिंग अराउंड द पूल। इसके अराउंड हमने एक स्टील रेलिंग लगानी है एंड लीव 10 m स्पेस बिटवीन द रेलिंग। और इसके बीच में हमने क्या छोड़ना है, 10 m का स्पेस लीव करना है। हाउ मच रेलिंग विल बी नीडेड, हमें बताना है कि कितनी रेलिंग हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया पैरामीटर कैलकुलेट करना है। सो हमें इसका गिवन है, इसकी हमें लेंथ गिवन है 22 cm, 22 m। ओके, तो जब हम इस पूरे का कैलकुलेट करेंगे तो हम ये भी कैलकुलेट करेंगे एरिया और ये वाला भी। तो ये आपका है 10 m, दिस इज़ ऑल्सो 10 m। सो आपकी टोटल लेंथ हो जाएगी 22 + 10 + 10 विच इज़ इक्वल टू 42 m। सिमिलरली आपके ब्रेथ में भी दोनों साइड के एरिया काउंट होगा, विच इज 16 + 10 + 10 इट इज़ इक्वल टू 36 m। सो वी विल कैलकुलेट द पैरामीटर बाय यूजिंग द टोटल लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 22 m, ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 16 m, लेंथ ऑफ बिगर रेक्टेंगल इज इक्वल टू 22 + 10 + 10 इज इक्वल टू 42 m, ब्रेथ ऑफ बिगर रेक्टेंगल इज इक्वल टू 16 + 10 + 10 इज इक्वल टू 36 m। सो लेंथ ऑफ रेलिंग इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ बिगर रेक्टेंगल विच इज 2 × L + B। द लेंथ इज 42 m एंड ब्रेथ इज 36 m। सो इट विल बी 42 + 36 इज इक्वल टू 78 m। वेन वी विल रिमूव दिस ब्रैकेट देन वी विल पुट द मल्टीप्लीकेशन साइन, 2 × 78 इज इक्वल टू 156 m इज योर आंसर। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज
फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ साइज 23 meters एंड 36 meters इफ इट्स कॉस्ट ₹125 पर मीटर ऑफ फेंस। आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैलकुलेट करनी है रेक्टेंगुलर फील्ड की जिसकी लेंथ गिवन है, ब्रेड गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द पैरामीटर, उसके बाद जो पैरामीटर आपका आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 125 से कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 23 meters, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 36 meters, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 2 प्लस 36, 23 प्लस 36 इज इक्वल टू 59, सो 2 ब्रैकेट 59, विल रिमूव दिस ब्रैकेट, देन विल पुट द मल्टीप्लीकेशन साइन, 2 × 59 इज इक्वल टू 9 × 18, 11, 118 meters इज योर पैरामीटर। ओके, नाउ वी विल राइट द फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द 1 meter, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 meter इज इक्वल टू ₹125, देन वी विल राइट कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 118 meters विच इज इक्वल टू 125 × 118 which is equal to, now we'll multiply both the numbers, 8 × 5 = 40, 4 × 8 = 16 plus 4 = 20, 8 × 1 = 8 + 2 = 10, now once से multiply करेंगे आपकी same digit आएगी, again we multiply by 1, we will get the same digit, will be 0, 5, 7, 4, 1, so your answer will be ₹14,750 is your answer. Okay, in this way you have to complete all the word problems. So your homework is complete exercise 12.2 in your peer notebook. If you have any query, you can ask in your WhatsApp group. Okay, thank you and have a nice day.